हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपके लिए मंकी कैप का पैटर्न लेके आई हूँ। ये कैप मेरा जो बनाया है मैंने, ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाई हुई है। और इसमें देखिए कितना दो सीधे दो उल्टे से है, तो कितना स्ट्रेचेबल है ये, और देखिए कितना फैलाव इसका आता है। और ये बनाने में बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। और ये इतना इसमें जो कट है, इससे बेबी का जब आप पहनाएंगे तो इसका फेस जाएगा और पहनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि हमको ये कैप कैसे बनानी है। ये देखिए, इस कैप की स्टार्टिंग मैंने 76 फंदों से करी और इसमें ऐसे दो सीधे और दो उल्टे, हर सीधी सिलाई पे भी दो सीधा दो उल्टा बिना, और उल्टी सिलाई में जो फंदा हमारा उल्टा था वो सीधा बिना और सीधे फंदे को उल्टा, तो हमारे दोनों साइड से ये ऐसे एक जैसा दिखता है। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं दो सीधे दो उल्टे का, सेम इसको बनाया है। बीच बीच में मैंने इसमें यहाँ पे दो सिलाइयां, एक उल्टी और एक सीधी से कलर अलग लगा दिया है। मैंने व्हाइट लगाया है और फिर इसमें पर्पल लगाया, फिरोजी लगाया है। तो इस तरीके से मेरा इतना बिन के कम्प्लीट हुआ। ये इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं और पतला भी कर सकते हैं। देखिए, इतना बिनने के बाद जितना हमारा ये हो गया है, इतना मैंने बिना, इसके बाद अब जो है यहां से हमको इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। तो तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इसमें 76 फंदे हैं। ये हमारा दो फंदों के, दो सीधे दो उल्टे का बॉर्डर डाला, इसलिए मैंने इसमें 76 फंदों से इसको बनाया है। तो इसको हम 25 फंदे एक स्टार्टिंग में बिनते हैं। ये हो गया 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये एक 25। 25 फंदे हमने इसमें बिन लिए एज इट इज, जैसे दो सीधे दो उल्टे बिन रहे थे। उसके बाद यहां से जो हमारे ये फंदे हैं, इनके ये हम 26 फंदे घटा देंगे, तो फिर हमारे लास्ट में 25 फंदे हमारे यहाँ पे बचेंगे। यहां से इन फंदों को हम बंद कर देंगे। लास्ट के 25 फंदों तक हमको इन्हें ऐसे ही बंद करना है। और जब ये बंद करेंगे तो इनको थोड़ा यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इसको थोड़ा लूज ही रखेंगे, बहुत टाइट नहीं करेंगे। लूज इसलिए हमें इसको बंद करना है जिससे हमारा जो यहाँ पे बीच का पोर्शन है ये टाइट ना हो, क्योंकि इसी से शेप आएगा गले का बेबी को पहनाने के लिए, तो फिर टाइट ना हो, इस वजह से इसको लूज रखना जरूरी है। और ये हमारा अब लास्ट फंदा इसमें घटाना है। ये मैंने एक और घटाया और हमारे इधर के फंदे हो गए। और ये अब ये हमारे इधर के 25 फंदे बचे और ये बीच के हमने इतने 26 फंदे घटा दिए। अब ये वाले फंदे ऐसे ही बिनते हैं जैसे हमारे लास्ट तक हैं, दो सीधे दो उल्टे राइट साइड से और रॉन्ग साइड से भी हमको इसको ऐसे ही बिनना है।
ये पूरा लास्ट तक इसको कंप्लीट करते हैं। दो इसको जब भी फंदे डालिए तीन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं फंदे, तो इजी रहते हैं। एक पार्ट हमारा फ्रंट का हो जाता है और दो पार्ट से हमारा जो सिले जाएंगे फंदे ये उस हिसाब से हो जाएगा, इसलिए इसको तीन पार्ट में ऐसे डिवाइड करके कंप्लीट किया। और ये हमारी सीधी रो कंप्लीट हो गई। ये देखिए बीच का पोर्शन हमारा ये ढीला है, इससे हमारा ये फेस जाने के लिए है। तो इतना करने के बाद अब यहां से दो सिलाइयां एज इट इज बिनेंगे सिर्फ इतने फंदों की। अब चूंकि हमारे इस साइड पे ऊन नहीं है और एक बार उल्टा बिनेंगे सीधा बिनेंगे फिर उल्टा आएंगे, तब इस साइड पे भी जितनी तीन सिलाइयां ऐसे बिनेंगे उल्टा सीधा और उल्टा, इसी तरीके से फिर इधर आके तीन सिलाइयां बिनेंगे फिर इसमें हम फंदे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे यहां तक आए आपको अगर ऊन आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप इसमें दो बॉल लगा के एक साथ ही इसको बना सकते हैं, वरना एक बॉल यहाँ पे लगा के कट कर लेंगे तीन सिलाइयों के बाद, उसके बाद फिर दोबारा से उस साइड का बिनेंगे दूसरी साइड का बिनेंगे। अब उल्टी सिलाई कंप्लीट करेंगे फिर सीधी फिर उल्टी, तीन सिलाइयां ऐसे हमको इसमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। जैसे बॉर्डर हम बनाते हैं ऐसे ही हमारा ये दोनों साइड से है, तो हमको ये ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये मेरी उल्टी सिलाई हो रही है, फिर एक सीधी बिनेंगे और उल्टी फिर कंप्लीट करते हैं, इतना हम कंप्लीट करते हैं इस एक साइड पे बिन के। देखिए उल्टी सिलाई कंप्लीट करके आए, सीधी बिनी और ये हमारी उल्टी सिलाई फिर से कंप्लीट हो रही है, तीसरी सिलाई हमारी है ये, और ये भी हमारी पूरी उल्टी कंप्लीट हो गई। और अब इस ऊन को यहीं पे कट करके मैंने छोड़ दिया, इस साइड के पोर्शन को हमें नहीं बिनना है। देखिए ऐसे तीन सिलाइयां हमारा थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा हो गया। अब यहां पे हम बॉल लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे, उल्टे से स्टार्ट है तो पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, और बाकी के जैसे हमारे सीधे हैं तो सीधे से स्टार्ट करेंगे, उल्टा है तो उल्टे से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें भी उल्टी सीधी और उल्टी तीन सिलाइयां कंप्लीट करते हैं तो दोनों पोर्शन हमारे एक जैसे बराबर हो जाएंगे। तीन सिलाइयों हमने उस साइड पे कंप्लीट करी है इस साइड पे, इसी तरह इस साइड की भी हमें तीन सिलाइयां कंप्लीट करनी है। ये मेरी पहली उल्टी सिलाई है, अब दूसरी साइड सीधा बिनेंगे फिर उल्टा हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए तीन सिलाइयां कंप्लीट कर ली और चौथी सिलाई पे सीधा फिर हम यहां तक बिनते हुए आए जहां तक हमारा एक कट है। इतना तो हमने पूरा एज इट इज तीन चौथी सिलाई पे, चूंकि हमको इसी साइड से बिनना है दोनों पार्ट इसी साइड पे बिने जाएंगे हमारे, इसलिए हम चौथी सिलाई पे जब आए यहां तक बिना ये हमारा बीच का इतना पोर्शन गैप हो गया। और अब यहां पे जितने फंदे हमने बंद करे हैं, इतने फंदे जो हमने बीच के पोर्शन के बंद करे हैं 26 फंदे हमने यहां पे कम करे हैं, तो यहां पे हमको 26 फंदे डालने हैं। तो नॉर्मल जैसे आप फंदे डालते हैं तो वैसे डबल फंदे डालते हैं, इसमें आप सिंगल सिंगल फंदे भी डाल सकते हैं, जैसे आप अंगूठे से डाल लीजिए ऐसे उंगली से डालिए जैसे भी आप डाल पाते हैं, ऐसे इसमें 26 फंदे हम डालेंगे। क्योंकि हमारे जितने फंदे कम हुए हैं उतने फंदे हमें इसमें पूरे करने हैं और ये पूरा जुड़ के जिससे पूरा हमारा एक में हो जाएगा ये। ऐसे जैसे नॉर्मली हम फंदे डालते हैं तो डबल फंदे से डालते हैं, मैं इसमें सिंगल फंदे से डाल लिए, ऐसे हमारे ये हो गए फंदे। ये पूरे फंदे हमारे बीच के हो गए जो हमारे यहां से कट है, और फिर ये वाले फंदे हम फिर इसी में बिनेंगे। और उल्टी सिलाई पे आके
जो बीच के फंदे तो हम अभी फर्स्ट रो में उल्टा ही बिन लेंगे, उसके बाद से सीधी सिलाई पे आके इसको जो फंदा जैसा है जिस फंदे के हिसाब से चलेगा वैसा हमें बिनना है। तो जितने फंदे हमने कम किए उतने ही फंदे हमारे बढ़ गए, तो पूरा ये हमारा ऊपर फिर 74 फंदे हमारे इसमें ऊपर फिर हो गए, 76 फंदे फिर हमारे हो गए, 76 फंदे डाले थे तो हमारे फिर जितने नीचे थे उतने ही फंदे ऊपर हो जाएंगे, और इसको ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये हो गया हमारा पूरा, सीधी रो कंप्लीट हो गई। ये बीच में देखिए जो कट होगा यही फेस के लिए ये कट होगा, ये इसको ऐसे ही बनाना है। अब उल्टी साइड पे आएंगे तो सारे फंदों को यहां से यहां तक के फंदे तो जैसे हैं हमारे वैसे ही बिने जाएंगे, इन फंदों को उल्टा बिन लेंगे क्योंकि फर्स्ट रो है हमारी। उसके बाद जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो फिर सीधा उल्टा करते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इसको पूरा ऐसे बिनते हुए आए और ये हमारा इतना तैयार हो गया। इसकी लंबाई आप अपने हिसाब से लंबा और ज्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो इतना होने के बाद अब यहां से इसको हम देखिए इसमें जो अभी तक तो ऐसे ही बिने, दो सीधे और दो उल्टे करके पूरा कंप्लीट किया। ये हमारी राइट साइड है और इसमें राइट साइड पे आने पे अब यहाँ पे हमारे दो सीधे हैं तो यहां से फंदे हम कम करेंगे, दो को एक करा और एक उल्टा कर दिया। फिर ये जो दो हमारे दो सीधे हैं इनको एक सीधा किया और दो उल्टे को एक उल्टा किया, यानी कि हर फंदे में हमको दो का एक करना है। अभी तक हमारे दो सीधे और दो उल्टे चल रहे थे और यहां से अब हमारे ऐसे हो जाएंगे तो एक सीधा और एक उल्टा हमारा ये रहेगा। तो पूरी सिलाई हम ये राइट साइड पे इसको बंद करेंगे और उल्टी सिलाई पे जो फंदा हमारा जैसा आएगा हमको वैसे ही बिनना है। तो यहां से हमारे फंदे ये जितने भी हैं उसके आधे हो जाएंगे। इसको आप अपने हिसाब से अगर और ज्यादा लंबा बनाना चाहते हैं तो लंबा बनाइए, वो ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। ये मेरा छोटे बच्चे का है तो जहां से ये मैंने इसमें ये करा हुआ है शेप ऊपर वाली कटिंग करी है वहां से मेरा 8 इंच का हो गया है, तो मुझे इतनी लंबाई इसमें सही लग रही है। अगर आपको ज्यादा और ऊंचा बनाना हो तो आप इसको और भी लंबा कर सकते हैं। अब इन सारे फंदों को ऐसे ही दो का एक करते हैं राइट साइड पे। देखिए ऐसे करते हुए हम लास्ट पे आ गए और हमारे सारे फंदे ये दो के एक हो गए, एक सीधा और एक उल्टा हमारा हो गया। और अब जब उल्टी सिलाई पे हमारा ये देखिए लास्ट का एक फंदा और है, ये ऐसे हो गया। अब ये हमारे फंदे यहाँ पे आधे बचे। अब इसके बाद जब उल्टी सिलाई पे आएंगे तो जो फंदा हमारा इसमें जैसा दिख रहा है हमको वैसा बिनना है, एक सीधा और एक उल्टा इसको ऐसे ही बिनेंगे। चार सिलाई होता है कि इसको एक सीधा और एक उल्टा बिनेंगे, ऐसे ही हमको एक सीधा एक उल्टा उल्टी साइड से भी बिनना है और सीधी साइड से जो फंदा हमारा जैसा है वैसा हमें इसमें बिनना है। तो पहली सिलाई पे घटाया, ये दूसरी सिलाई बिन रहे हैं, एक सीधी और एक उल्टी और कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से, एक सीधे और एक उल्टे से। ये हमारी इसमें देखिए ऐसे चार सिलाइयां हो गई। इसके बाद अब यहां पे जब हम आएंगे तो फिर इन दो फंदों का एक कर देंगे,
ये देखिए 2 का 1, अब सीधे से ही करते चले जाएंगे सारे फंदों को, 2 का 1, तो हमारे ये सारे फंदे धीरे धीरे करके इसमें बंद हो जाएंगे। इतने ही फंदों को अभी 4 सिलाइयां और बिनेंगे, फिर 4 इतने ही फंदों से इसको क्लोज कर देंगे। देखिए सारे फंदे हमारे ऐसे, हर फंदे में 2 का 1 करना है। इसमें मैंने स्वेटर के अकॉर्डिंग इसमें मैंने इसमें इसमें वो डाल रखी है, अलग अलग कलर की स्ट्रिप डाल रखी है। आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं या कोई भी पैटर्न। इसमें 2 सीधा 2 उल्टा इसलिए बिना गया क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबल जैसा हो जाता है, इलास्टिकिटी बहुत रहती है, तो वो पहनाने में बहुत ईजी रहता है। देखिए इतने फंदे कम हो गए। इसके बाद इधर से उल्टा बिनते हैं इसको पूरा। ये देखिए ऐसे आ गया, 1 सिलाई इसमें और बिन ली। और अब सारे फंदों को इसे मैंने ऐसे सुई में ऊन कट करके डाल लिया और सारे फंदों को सुई में से निकालते हुए इसको बंद कर देंगे। ये देखिए हमारा ऐसे ही है, ऊपर से राउंड हो गया। और यहां से पूरा ये नीचे तक, यहां से यहां तक पूरा इसमें सिलाई करेंगे इसको। पूरा यहां से और ये नीचे तक पूरा हमको यहां से यहां तक इसको सिलना है। ये पूरा हमारा ऐसे सिल के कंप्लीट हुआ और ये देखिए ऐसे बन के आया, कितना सुंदर बन के आया है। और ये इसमें देखिए इतना ज्यादा खिंचाव है कि आप बच्चे को पहनाइए, बड़े आराम से उसको आएगा। और ये देखिए कितना अच्छा बन के आया हमारा पूरा कैप ऐसे बन के आया है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का जो वीडियो है कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स करके जरूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।